नमस्कार, मैं परविंद कुमार वर्मा एक बार पुनः आप लोगों के बीच बीएड स्पेशल एजुकेशन के एक ऑप्शनल पेपर ओरिएंटेशन मोबिलिटी के ब्लॉक वन का यूनिट 2 प्रकरण लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। फिलहाल के लिए आज जो हम जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं, उसमें हम देखेंगे कि ये जो कंटेंट हमारा है, उसके जो आउटकम आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से पूरे कोर्स के पूरा करने के बाद का आउटकम है। अब जब दूसरे यूनिट की बात करेंगे, तो उसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे ओरिएंटेशन मोबिलिटी से संबंधित और कौन सी गतिविधियां हैं जिससे एक दृष्टिबाधित बच्चा अपने आप को समायोजन करने का प्रयास करता है। उसी अनुक्रम में आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि बेसिक टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विथ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, इसके अंतर्गत जो बातें हम करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसमें हम किसी व्यक्ति की सीमा कैसे निर्धारित होती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि किसी व्यक्ति की सीमा उसके दिव्यांगता के स्तर से निर्धारित होती है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं उदाहरण के रूप में और इस कंटेंट के माध्यम के दोनों रूपों में आपको मैं दृष्टिबाधित का उदाहरण लेना चाहूँगा कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी दोनों उन्हीं के साथ एसोसिएटेड है। अब ओरिएंटेशन और मोबिलिटी करने के बाद कि और कौन सी गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से एक दृष्टिबाधित बच्चा अपने आप को सोसाइटी में एक जगह से दूसरे स्थान पर समायोजित करने का प्रयास करता है। क्योंकि इन बच्चों के साथ एक समस्या और रहती है कि इन चीजों को ये करें कैसे। हम जब बात करते हैं केयर ओरिएंटेशन और मोबिलिटी की, जिसको हिंदी में अनुस्थिति और चलिशीलता के माध्यम से हम जानते हैं, कि ये दोनों गतिविधियां अगर एक व्यक्ति के पास हो जाए, तो क्या इन दोनों के होने से ही उनकी गतिविधियां सुचारू रूप से संपन्न हो सकती हैं? तो शायद नहीं। कारण है कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी एक प्रारंभिक चरण है किसी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपने सोसाइटी में अपने स्थान के संकेतक को पहचानने के रूप में। लेकिन उन चीजों को हम जब देखने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों के माध्यम से एक दृष्टिबाधित बच्चा किस प्रकार से अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है, तो उसमें कुछ हम चरणों को एक और विभाजित करके उसको उनके प्रशिक्षण के माध्यम से वर्गीकृत करके अगर हम देखने का प्रयास करें, तो हम उसमें ये कुछ पॉइंट के माध्यम से कह सकते हैं कि इनके जो अनुस्थिति और चलनशीलता से संबंधित जो गतिविधियां हैं, उनसे संबंधित और कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती हैं जिसको कि एक दृष्टिबाधित बच्चे को उसमें अनुस्थिति और चलनशीलता के प्रशिक्षण के दौरान इन चीजों को भी प्रशिक्षित करना आवश्यक हो जाता है, ताकि उनकी जो गतिविधियां हैं वो प्रभावित न हो और वो अपने आत्मविश्वास के साथ और अपनी स्वतंत्रता को बिना बाधित किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक अनुसरण कर सकें, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकें। इनमें अनुस्थिति और चलनशीलता दोनों अपनी अहम भूमिका निभाता है। उसके अंतर्गत अगर हम देखने का प्रयास करें, तो हम पाएंगे कि अकेले भ्रमण करना एक बड़ी चुनौती होती है कि एक दृष्टिबाधित बच्चा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अकेले भ्रमण कैसे करेगा। शुरुआत में हम कोई एक सपोर्ट देते हैं, ओरिएंटेशन मोबिलिटी के जो प्रशिक्षण के दौरान हम देखते हैं कि एक प्रशिक्षण के दौरान उसको हर तरीके की गतिविधियों से समायोजित करके सिखाने का प्रयास किया जाता है कि एक बच्चा किस प्रकार से सीखेगा और किस प्रकार से अपने आप को अपने सोसाइटी में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में अपनी अस्मिता को उतने ही स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित कर पाए जितना स्वतंत्र रूप से एक सामान्य व्यक्ति प्रदर्शित करता है। तो उसमें हम देखने का प्रयास कि वह अकेले भ्रमण करेगा कैसे। तो ओरिएंटेशन मोबिलिटी एक बहुत ही अहम भूमिका का निर्वहन करता है कि जब बच्चे में अकेले भ्रमण करने की एक जो आत्मविश्वास है वो हम जागृत कर देते हैं, तो बच्चा आसपास के ध्वनि को सुनने का प्रयास करता है, रोड को पहचानने का प्रयास करता है, आसपास की गतिविधियों को सुनने का प्रयास, मतलब जो केवल देखने वाली जो सेंस है वो न होने के कारण अन्य जो सेंसेज हैं वो प्रभावी रूप से सक्रिय होती हैं। उन्हीं सक्रियता के ही आधार पर वो अकेले भ्रमण करने का प्रयास करता है और अकेले भ्रमण करने के क्रम में वो अन्य चीजों से खुद सुचारू रूप से परिचित होने का प्रयास करता है कि हम किसी वस्तु के, किसी स्थान के, किसी व्यक्ति के, किसी प्राणी से कैसे मिल रहे हैं और किस प्रकार से उनसे हम परिचित हो रहे हैं। ये देखिए कुछ चीजें टर्मिनोलॉजी को आप समझने का प्रयास करो, उसकी गहराई को समझिएगा।
कि कैसे किसी व्यक्ति को अगर अकेले जाना हो, आप कभी यात्रा करते होंगे तो आप जब अकेले निकलते हैं तो आप ये नहीं सोचते होंगे कि रास्ते कैसे होंगे, लोग कैसे होंगे, ये आप एक सामान्य जन की तरह नहीं सोचते हैं। केवल रास्ते में हमें कौन कौन सी कठिनाई हो सकती है, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ सावधानियां आप बरतते हैं और अपने बैग में पैक कर लेते हैं कि अगर रास्ते में ये जरूरत पड़ेगी तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। सोचिए कि अगर व्यक्ति कुछ देख ना पाए और उसको अकेले भ्रमण करना है तो सोचिए कि कितनी तैयारियां करनी पड़ेंगी। आप जितनी तैयारियां करते हैं वो तो उसको करना ही करना है, साथ में उसको बिना देखे ही वो तैयारी और करनी है। तो सोचिए एक चुनौती तो है, लेकिन उन चुनौती को थोड़ा सा अगर हम व्यवस्थित कर लें कि नहीं बच्चा अकेले भ्रमण कर सकता है, उसमें सोसाइटी का अगर थोड़ा सा सहयोग उनको मिल जाए, यही सहयोग के माध्यम से ही एक दृष्टिबाधित बच्चा अकेले भ्रमण करने का साहस जुटा पाता है और निश्चित रूप से उसी का साहस एक समाज में उसको पहचान दिलाता है। तो हमें इन बच्चों के साथ, इन इस प्रकार से ग्रसित लोगों के साथ एक सहानुभूति, एक तदनुभूति की भावना प्रकट करते हुए उनका सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए। और जब हम इनको सहयोग करते हैं तो हमें ये निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो आवश्यकताएं हमारे अनुसार तय नहीं होनी चाहिए, वो आवश्यकताएं संबंधित व्यक्ति के अनुसार तय होनी चाहिए, तब व्यक्ति अकेले भ्रमण कर सकता है। उसको जितना सोसाइटी में सहयोग की अनुभूति हो उतना सहयोग हमें प्रदान करने का भी प्रयास करना चाहिए। आप स्क्रीन पर भी कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि एक जो विचार है कि व्यक्ति अकेले भ्रमण कैसे करेगा, तो उस भ्रमण के दर में आप इन चीज़ों को पॉइंट वाइज आपको निर्देशित किया गया है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अगला जब हम देखते हैं कि अनुगामी, एक तो दृष्टिबाधित से या फिर अकेले भ्रमण कर सकता है या अनुकरण कर सकता है। अनुकरण का सेंस क्या है कि जिस जिस पद पर आप चलेंगे उसी पद चिन्हों पर एक दृष्टिबाधित बच्चे अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, लेकिन कभी कभी पद चिन्हों को आदत न बनाते हुए आप एक अनुकरणीय क्रिया वो करने का प्रयास करता है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से करता है वो देख तो पा नहीं रहा है। अब नहीं देखने के क्रम में क्या होगा कि जिस प्रकार से उसको उन प्रक्रियाओं को, उस क्रियाओं को सिखाया जाएगा, उसी क्रियाओं को वो दोहराने का प्रयास करता है, उसी दोहराव के अनुक्रम में वो उन चीज़ों को सीख लेता है। और जब कभी अकेले उसको स्वतंत्र रूप से करना पड़ेगा तो उसमें फिर वो हेजिटेशन और उस तरीके की समस्या नहीं आती है, वो निरंतर रूप से अपने कार्य को संपादित कर लेता है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है कि इसमें सोचने की जरूरत है कि अनुगामी जो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति, बच्चा, कोई भी व्यक्ति अगर दृष्टिबाधित है तो वो कैसे अनुगामी करे, किस प्रकार से अनुसरण करे, उस अनुसरण का अनुक्रम क्या होना चाहिए, उसके अनुसरण की दिशा क्या होनी चाहिए, उसके अनुक्रम का किसको अनुगामी करना है, किसको अनुकरण करना है, उसका दिशा निर्देश कौन तय करेगा, ये थोड़ा सा एक चुनौती रहता है। लेकिन उन चुनौतियों को थोड़ा सा अगर हम अपने आप में संपादित करने का प्रयास करें कि हम अगर अनुकरण की दिशा में जा रहे हैं कि हमें व्यक्ति फॉलो करे तो उस फॉलो का अनुक्रम क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा अगर हम तय कर लें तो निश्चित रूप से एक जो दृष्टिबाधित बच्चा है वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से उसी चीज़ों पर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा जो कि एक उसके अंदर अलग तदनुभूति और आत्मविश्वास की भावना को जागृत करेगा। इसमें हम देखने का प्रयास करते हैं कि जब वो अनुकरण कर रहा है तो उसका अनुकरण का क्रम क्या होना चाहिए। पहले तो उसको सुरक्षात्मक रूप से तकनीक अपनानी पड़ेगी कि भाई एक जो सामान्य व्यक्ति है वो तो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति नहीं देख पा रहा है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, तो वो सुरक्षात्मक दृष्टि से आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसमें दो पॉइंट्स को अगर हमने देखने का प्रयास किया है कि अपर आर्म्स, जैसे आप मुझे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अगर आपकी आंखें बंद हो तो एक तो आप हाथ ऐसे कर लीजिए और दूसरा ऐसे कर लीजिए। अब ऐसे करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कभी आप कल्पना करिएगा कि जब हम किसी कमरे में बैठे हुए हैं और लाइट अचानक कट जाए, तो हम जब उठते हैं तो हमारे हैंड्स का पोजीशन और हमारे दूसरे हैंड्स का पोजीशन किस प्रकार से हम बनाते हैं कि हम कहीं ऊपर जाएं तो लड़ न जाएं, आगे कुछ टकराव ना हो, तो एक हम पैर के पास लगा लेते हैं, एक ऊपर लगा लेते हैं ताकि कुछ भी टकराने से पहले हम तुरंत हाथ हमारा पहुंच जाए ताकि हम वहीं से अपनी दिशा मोड़ लेते हैं, एक ये हो गया। दूसरा होता है कि हम किस प्रकार से एक लोअर हैंड्स, ये वाला जो आपको दूसरा हैंड्स है वो अपने पैर के पास लगा लेते हैं और दूसरा यहाँ लगा लेते हैं कि जब हम ऐसे आगे बढ़ते हैं तो हमको लगता है कि अगर कोई बाधा आएगी तो सबसे पहले अपना हेड बचा लेंगे, ये ऊपर टच हो जाएगा, नीचे जब पैर टकराएगा तो उसके पहले हाथ टकरा जाएगा। तो ये दोनों जो पोजीशन है वो निश्चित रूप से एक दृष्टिबाधित
बच्चे को तो ये सिखाना ही पड़ता है कि सुरक्षात्मक तकनीक इस तरीके से आप अपना सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों की अनुभूति अगर एक सामान्य व्यक्ति को होगा तब तो इस तरीके के प्रशिक्षण को देने में सक्षम होगा। अदरवाइज क्या होगा कि केवल और केवल हम प्रशिक्षित कर देंगे, जब उसके क्रियान्वयन की बारी आएगी तो ये सब चुनौतियाँ आपको विद्यमान दिखेंगी, लेकिन ये चुनौतियाँ कम हो, खत्म नहीं हो सकता है, कम हो, बच्चे में सुरक्षात्मक की भावना ज़्यादा हो, इसके लिए कुछ तकनीकों का हम इस्तेमाल करते हैं। इन तकनीकों का इस्तेमाल केवल दृष्टिबाधित ही नहीं करते, हर व्यक्ति करता है, लेकिन उसके उपयोग करने की दशा और दिशा इतर होती है बजाय दृष्टिबाधित के। तो ये इतर होने का जो एक अनुक्रम है हम खुद उपयोग करते हैं कि आप इसका एक मैंने उदाहरण पहले बताया कि जब कभी लाइट कटती है और अचानक लाइट कटती है और आपके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और आपको अचानक तुरंत निकलना है, तो आप किस तरीके के हाव भाव और किस तरीके का गेस्चर और पोस्चर अपनाते हुए आप उस स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते हैं, वही तकनीक एक दृष्टिबाधित बच्चा भी अपनाता है कि कैसे हम किसी चीज़ को अगर हम नहीं देख पा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए कौन सा पोजीशन उपयोगी होगा और किस दिशा में हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक चुनौती का दौर होता है ये कि हम कैसे एक तो देख नहीं पा रहे हैं, अगर हम अचानक लाइट कटती है तो हम समझ जाते हैं कि भाई इस तरीके का पोजीशन है, हम आसानी से निकल लेते हैं, लेकिन जो बच्चा उस स्थान को पहले कभी देखा ही नहीं है और वहाँ पर अचानक उसको फिर से अगर जाना हो तो सोचिए कि वो कंडीशन कैसा बनेगा कि उसको सुरक्षात्मक तकनीक कैसे लेना पड़ेगा। एक तो उसकी छड़ी हो सकती है उसका सुरक्षात्मक तकनीक, एक उसके हैंड्स हो सकते हैं और उसमें देखिए उसके जो सेंसेज हैं वो भी उसको एक सुरक्षा प्रदान करते हैं कि कहाँ से किधर से आवाज़ आ रही है, किस तरीके के रास्ते में हमें जाना चाहिए, तमाम तरीके की हैं। आप कभी इस तरीके का प्रशिक्षण करना चाहें तो अपनी आँखों को पट्टी बांधिए और पट्टी बांध करके आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का प्रयास करिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपके जिस प्रकार के पोजिशन उस समय बनेंगे वही तकनीक ये दोनों है कि आप जैसे देखते हैं कि हमें तुरंत हाथ लगा लेते हैं, कहीं पैर टकराया तो वहाँ हाथ लगा लेते हैं, तो ये जो अपना जो सुरक्षात्मक तकनीक है वो इसी का अनुकरण है। आप इसको अगर खुद करके भी देखना चाहें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से करिएगा और एक प्रशिक्षित व्यक्ति के साथ करिएगा, तब उन चीज़ों को आप समझ पाएंगे कि एक दृष्टिबाधित बच्चे को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा सहयोग कर लें तो वो चुनौतियाँ कम हो सकती हैं, ख़त्म तो नहीं होती हैं, इसलिए कि तमाम रास्ते अलग हैं, दिशाएँ अलग हैं और उनके जो दृष्टिकोण है वो अलग हैं, समाज के लोग अलग हैं, तो हर की भावना एक जैसी है नहीं कि उनको एक ही रूप में ढाला जा सके, लेकिन हम निश्चित रूप से अगर हमारे ये थोड़े से प्रयास होंगे तो इन बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण और एक समाज में एक स्थान प्राप्त हो सकता है अगर ये छोटे छोटे प्रशिक्षण उनको हम सिखाते रहें। दूसरा देखते हैं कि लोकेशन ड्रॉप। अब लोकेशन ड्रॉप है तो कैसे हम किस लोकेशन पर बच्चे को ड्रॉप आउट करें, किस लोकेशन से उसको लाना है, किस लोकेशन से उसको जाना है, किस लोकेशन पर वो स्थापित है, किस लोकेशन से वो कहीं जाना चाह रहा है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। अब उस महत्वपूर्ण कड़ी को कैसे एक दृष्टिबाधित बच्चे को हमें ये समझाना है कि आप इस लोकेशन पर खड़े हैं और यहाँ पर किस प्रकार से, जैसे अगर मैं कभी सीखने का प्रयास करूँ कि जैसे हम कभी बचपन में गेम खेलते थे तो आंखों पे पट्टी बांध दिया जाता था, फिर उस पर उसको टहलाया जाता था, टहला करके फिर छोड़ दिया जाता था, उसके बाद सब बारे बच्चे जब खेल स्टार्ट होता था तो उसको ये खोजना होता कि बच्चे कहाँ हैं। तो वो जो टेक्निक है आप खुद एक खेल के माध्यम से हम खोजने का प्रयास करते हैं। हम क्या करते थे, आवाज़ सुनते थे, लोगों के पैरों की सनसनाहट सुनते थे, कहाँ से आवाज़ आ रही, हम तुरंत वहाँ आगे बढ़ जाते थे। तो इसी तरीके का शायद एक लोकेशन दृष्टिबाधित बच्चा भी अपना बनाता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, किस लोकेशन पर मैं खड़ा हूँ और कहाँ पर मुझे किसी वस्तु की जरूरत पड़ सकती है और कहाँ पर किसी वस्तु को स्थापित किया गया है। ये सारे जो दृष्टिकोण है बच्चा खुद अपने अदर सेंसेस के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ हूँ तो ये इस तरीके का, इस लोकेशन पर हूँ तो इस लोकेशन की पहचान क्या है, अगर मैं किसी दूसरे लोकेशन पर जा रहा हूँ तो उस लोकेशन पर क्या पहचान है, वो अदर सेंसर्स के माध्यम से उसको स्थापित करने का प्रयास करता है। और एक बार अगर वो अपना इस दिशात्मक और लोकेशन तय कर लेता है तो फिर वो उन चीज़ों को हमेशा के लिए स्थापित कर लेता है। अगर वो उसमें अचानक बदलाव आता है तो फिर बच्चा क्या करेगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि दो दृष्टिकोण अपनाता है। जैसे आप कभी देखिएगा, कभी आप अपने अनुसार उसको महसूस करिएगा कि आप नीचे बैठे हों और आप लाइट नहीं है और कोई पैसा आपका गिर गया है, एक रुपये का सिक्का,
तो आप उसको कैसे ड्रॉप करते हैं? ऐसे करते हैं ना, इधर अपने पहले सर्कल बनाते हैं कि गिरा होगा तो हमारे आसपास ही गिरा होगा, तो पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, उस सर्कल में अगर मिल गया तो ठीक, अब उस सर्कल में मान लीजिए नहीं है, फिर क्या करते हैं? तो फिर हम आयत बनाते हैं, फिर आगे देखते हैं, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। मतलब हम जहाँ खड़े हैं, अगर कोई वस्तु हमारी गिरी मेरे जेब से चाहे मेरे हाथ से, तो पहले हम उसको सर्कल रूप में खोजते हैं कि पहले अपने चारों तरफ घुमा के देख लो, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो हम एक कदम आगे, एक कदम पीछे, एक कदम दाएँ, एक कदम बाएँ हो करके फिर उसको अनुगामी करते हैं कि नहीं कहीं इधर तो नहीं है, कहीं इधर तो नहीं। सेम यही प्रक्रिया एक दृष्टिबाधित बच्चे को रोज करना पड़ता है। हम तो कभी लाइट कट जाने से अंधेरों में इस तरह की गतिविधि करते हैं, लेकिन एक दृष्टिबाधित बच्चा ये गतिविधि रोज करता है। लेकिन ये गतिविधि करते करते उसको एक आदत सी हो जाती है कि नहीं कोई वस्तु को किस प्रकार से हमें रखना है और कहाँ पर किसी वस्तु को हमें स्थापित करना है, ताकि हमें उनको ढूंढने में, उसको हमें व्यवस्थित करने में, उसको रखने में हमें कोई समस्या ना हो। एक दृष्टिबाधित बच्चे से कभी आपको जब मौका मिले मिलने का, तो उनके रहन सहन की स्थिति और उनके व्यवहार की स्थिति देखिएगा कि कितने एकदम व्यवस्थित रहते हैं। अपने किसी वस्तु को जिस स्थान पर वो रख देंगे, उसी स्थान पर आपको वस्तु दिखेगी और उसी स्थान से वो फिर वस्तु को प्राप्त करते हैं। अगर वो अपने अनुसार इन चीज़ों को लोकेट कर लिए कि नहीं ये वस्तु हमारी यहाँ होगी, ये वस्तु हमारी यहाँ होगी, ये वस्तु हमारी यहाँ होगी, तो फिर वो उसी स्थान पर अपना रखते जाते हैं, वो अपने पूरे जीवन शैली को उसी हिसाब से व्यवस्थित कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कहीं उसमें छेड़छाड़ किए कि नहीं उस वस्तु को हटा करके यहाँ से वहाँ कर दिए, तो शायद उनकी पूरी दिनचर्या ही अस्त व्यस्त हो जाती है। तो हमें ये जो लोकेशन वाली जो कंडीशन है, उस पर हमें फोकस करना पड़ता है कि एक दृष्टिबाधित बच्चा कैसे अपने लोकेशन को चेकआउट करता है और कैसे इन चीज़ों को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। अगर आप देखेंगे कि जैसे कभी कोई वस्तु नहीं है, तो अभी वृत्ति की हमने बात किया, फिर उसके बाद समानांतर की बात किया, अब उसके अलावा और भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल यही दो तकनीक है जिसके अनुसार वो अपने लोकेशन को ड्रॉप करेगा, नहीं, इसके अलावा भी और कई हो सकते हैं। उसको आप अध्ययन के माध्यम से, शोध के पत्रों के माध्यम से भी खोजने का प्रयास करिएगा। लेकिन अगर ये बेसिक चीज़ें ही अगर हम जानते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे शिक्षण प्रशिक्षण के दौर में ये दोनों गतिविधियाँ बहुत सहायक की भूमिका में अपना भूमिका अदा करेंगी। लेकिन फिर ये चीज़ें हम ये सोचते हैं कि अगर बच्चा में लोकेशन की जो स्थिति है वो प्राप्त कर लिया, लेकिन क्या हर लोकेशन हर जगह एक ही है? ये बड़ा प्रश्न है। वो कैसे एक बच्चा हर स्थिति में अपने आप को उसी अनुसार समायोजित करने का प्रयास करता है? आप कभी आंखों पर पट्टी बांध के देखिएगा, आपको महसूस होगा कि किस प्रकार से वो हर एक सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता है। कभी किसी रोड पर क्रॉस करते हुए व्यक्ति को आप देख पाएंगे, वो अपना व्हाइट कैन लेता है और निकल लेता है। दिल्ली की सड़कों में देखिए, इतने अस्त व्यस्त वातावरण में भी अपने आप से निश्चिंत होकर के अपना कार्य करता है, उसमें उसको किसी प्रकार का कोई बाधे का अनुभव नहीं होता है। वो सारी चीज़ें, हर चीज़ को वो लोकेट कर चुका है कि नहीं ये स्थान यहाँ है, यहाँ मेट्रो जाना है, वहाँ बस पकड़नी है, वहाँ ऑटो पकड़ना है, सारी चीज़ें उसकी व्यवस्थित हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियाँ, इस प्रकार की स्वतंत्रता तब आएगी जब हम इस प्रकार के उनको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। अगर प्रशिक्षण में कमी आएगी तो शायद उनकी पूरी गतिविधियां प्रभावित होंगी, और इसलिए हमें इन चीज़ों पर बहुत फोकस करना पड़ता है कि नहीं हम अगर उनको ओरिएंटेशन मोबिलिटी का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो ओरिएंटेशन मोबिलिटी का प्रशिक्षण उनके अनुसार होना चाहिए। उसकी गतिविधियों का तय निर्धारण हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी गतिविधियों का संचालन उन्हीं के अनुसार होना चाहिए। हमें इस लाइन को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम आगे देखते हैं कि उनके जो एक संकेतक के रूप में क्या हो सकता है, जब वो लोकेशन ड्रॉप करते हैं उसके बाद की स्थिति क्या हो सकती है, तो कोई ना कोई एक संकेत वो बना लेते हैं कि अगर मैं यहाँ जाऊँगा, जैसे एक साधारण सा उदाहरण है कि अगर मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जाऊँगा तो वहाँ के ट्रेन की आवाज़, पटरियों की आवाज़, ट्रेन का हॉर्न और वहाँ पर जो अनाउंसमेंट है स्टेशन के, वो मतलब इस तरीके का कोई ना कोई एक आंतरिक संकेतक वो बना लेता है कि अगर मैं उधर की दिशा की तरफ बढ़ूंगा तो हमें इस तरीके की आवाज़ सुनने को मिलेगा, चाहे इस तरीके के लोग वहाँ इस तरीके की गतिविधियाँ करते हुए पाए जाएंगे। लेकिन अगर हम सामान्य रूप जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग अब जब किसी चीज़ को देख लेते हैं तो अदर चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है कि नहीं यहाँ पर और कौन कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं और कौन कौन से लोग किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता है। सामान्यतः व्यक्तिगत किसी भी का भी नहीं जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम नहीं देख पाते हैं, तो फिर हम अन्य गतिविधियों में ज़्यादा संलिप्त हो जाते हैं
कि नहीं वहाँ किस प्रकार की आवाज़ आ रही है, रोडें कैसी हैं। अब रोड हमारे हिसाब से अगर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है तो हम लोग इग्नोर कर लेते हैं, कहीं से बचा बचा कर निकल लेते हैं, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चा उस रोड के पूरे सरफेस को पढ़ लेता है कि नहीं यहाँ मैं जाऊँगा तो यहाँ गड्ढा मिलेगा, यहाँ रोड कच्ची मिलेगी, यहाँ रोड पक्की मिलेगी, इस तरीके का वहाँ इस प्रकार का है, यहाँ ईंटे की रोड है, वहाँ सीमेंट की रोड है, वहाँ सीमेंट की जो ईंट बना है उसकी रोड है। मतलब वो एक छोटी छोटी माइनर चीज़ों पर अपना ध्यान आकर्षित करता है कि नहीं हम अगर कहीं अपने स्थान पर हैं तो अगर मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो यहाँ पर किस प्रकार की दुकान है, हमें कहाँ से किस प्रकार से उसको यहाँ आना है और हमें दूसरे स्थान पर कैसे जाना है। मतलब आप कभी भी इस तरीके का प्रशिक्षण अगर देखना आप चाहेंगे तो आप अपने घर में इस तरीके का उदाहरण बना सकते हैं कि आप एक दिन अपने घर में केवल आंखों पर पट्टी बांध करके संचालित होने का प्रयास करिए, दो चार दिनों के बाद आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें आपके पूरे मानसिक पटल पे बन जाएंगी कि हमारे घर की सीढ़ी किस दिशा में है, उसके उतरने की दिशा कैसी है, उसके चढ़ने की लंबाई कितनी है, सीढ़ियों की संख्या कितनी है। हम रोज़ अपने घर में सीढ़ियाँ चढ़ते हैं लेकिन कभी सीढ़ियों को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन एक दृष्टिबाधित बच्चा जिस सीढ़ी पर वो चढ़ता है उसकी पूरी सीढ़ियाँ काउंटेड होती हैं कि नहीं मुझे इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी है, इतनी सीढ़ियाँ उतरनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसका चौड़ाई कितना, ये सब कुछ एकदम माइनर जिसको बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन, वो अपने आंतरिक पटल से कर लेता है कि नहीं हम अगर कहीं जा रहे हैं तो पूरे बिल्डिंग का नक्शा कैसा है, वो बाथरूम किधर है, बाथरूम किधर है, लैट्रिन किधर है, वो हर एक दिशा को अपने आप पहचान लेता है। और हम क्या करते हैं कि बस हम देख ले उधर है, हम तुरंत बढ़ जाते हैं, कितने कदम बढ़े, कितने कदम हम बाएं मुड़े दाएं मुड़े, हम केयर नहीं करते इसलिए कि हम लोग सामान्य रूप से देख पाते हैं, लेकिन अब हम चीज़ों को नहीं देखते हैं तो हमारे अन्य जो गतिविधियां वो सक्रिय हो जाती हैं कि नहीं हम अब कैसे किसी चीज़ को संपादित करेंगे और कैसे किसी चीज़ को संपादन करने में स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न हो, ऐसी गतिविधियों को हम करने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ जो पॉइंट्स हैं कि वो कैसे कैसे करेगा, स्क्वायरिंग ऑफ कर सकता है, दिशात्मक गमन कर सकता है, तमाम चीज़ें हैं। ये छोटी छोटी जो स्क्रीन के माध्यम से आप पढ़ने का प्रयास करिएगा कि ये तो पॉइंट्स मैंने आपको केवल एक उदाहरण के रूप में, एक बेसिक आधार के रूप में दे सकते हैं कि नहीं अगर उसको इस प्रकार का गतिविधि करना है तो उस गतिविधियों का एक अनुक्रम ऐसा हो सकता है, लेकिन उन गतिविधियों का निर्धारण हो कैसे, एक बड़ी चुनौती होती है। उन चुनौतियों को अगर हम देखने का प्रयास करें कि उन चुनौतियों से कैसे हम आगे बढ़ें और किस प्रकार से इन चीज़ों को हम व्यवस्थित करने का प्रयास करें, तो हमें ये लगता है कि हमें हर दृष्टिबाधित बच्चे को ओरिएंटेशन मोबिलिटी की जितने एसोसिएटेड कंडीशन हैं उस पर हमें गहराई से फोकस करना चाहिए और गहराई से फोकस करने के बाद ही हमें उसको संरचित और उसके बाद प्रशिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम इन चीज़ों पे अपना ध्यान आकर्षित कर लेते हैं तो ये जो दिशागत आप देख रहे हैं कि किसी वस्तु का दिशा किस तरफ होना चाहिए, किसी वस्तु का दिशा का निर्धारण कैसे हम करें, हम अगर एक लोकेशन को हम देखते हैं कि नहीं इधर ये दिशा होगा उधर वो दिशा होगा। अब जैसे एक बड़ा प्रश्न है कि हम कह देते हैं पूरब इधर है तो हम कैसे निर्धारण करते हैं कि सूरज इधर से उग रहा है इसलिए वो पूरब है, लेकिन अगर आप देख नहीं पा रहे हैं तो उस दिशा को आप कैसे निर्धारण करेंगे। भाई सूरज की जो रोशनी होगी वो आपके हर पूरे बॉडी पर एक ही जैसा लगेगा, लेकिन उसके महसूस के आधार पर वो कहते हैं कि नहीं सूरज इधर से उग रहा है और इधर से पश्चिम है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जहाँ हमारा और आपका ध्यान नहीं जाता है वहाँ भी एक दृष्टिबाधित बच्चे का ध्यान आकर्षित हो जाता है कि नहीं अगर हम इस तरीके का कार्य कर रहे हैं तो इस तरीके का कार्य वहाँ नहीं हो सकता है, या इस तरीके के कार्य हम कर रहे हैं तो इस तरीके का कार्य भी वहाँ हो सकता है। जो चीज़ हम सोच नहीं पाते हैं शायद उनके जहन में वो उत्पन्न हो जाता है कि नहीं हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो चीज़ हैं उनके जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी से संबंधित जो एसोसिएटेड कंडीशन है उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से आपके बीच हम रखने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें हम आगे और देखने का प्रयास करते हैं। तो तमाम इसमें और आप जोड़ सकते हैं, जोड़ने के अनुक्रम में आप ये देख सकते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को व्यवस्थित कर पाएंगे और कैसे इन चीज़ों को हम देख पाएंगे। तो आज हम ओरिएंटेशन मोबिलिटी के जो एसोसिएट कंडीशन में जो टर्मिनोलॉजी उपयोग किए गए थे उस पर हमने चर्चा किया, उसमें उनके स्वतंत्र भ्रमण से लेकर के अनुगामी और सुरक्षात्मक तकनीक
और आंतरिक दिशा गमन, ये सब सारी चीज़ों को हमने व्यवस्थित रूप से करने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि किसी पॉइंट पर आपकी जो समझ है वो कम है और किसी पॉइंट पर हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं या किसी बिंदु पर हमें ये बात समझ में नहीं आया है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपना एक सुझाव हमें प्रेषित कर सकते हैं कि सर इस बिंदु पर हम ये तो समझ गए लेकिन इसमें और क्या हो सकता है। तो शायद हम आपके ही सुझाव से एक दूसरा वीडियो पुनः लेकर के उपस्थित हो जाऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।